आज हम आपको दिखाएंगे अंतरिक्ष में जाने वाले लोग खाना कैसे खाते हैं, नहाते कैसे हैं और सोते कैसे हैं। साथ ही एस्ट्रोनॉट की मृत्यु हो जाने पर उनका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। दोस्तों, आसमान में कोई ग्रुप आकर्षण बल नहीं होता, इसलिए आसमान में हर चीज तैरती रहती है। ऐसे में यदि किसी अंतरिक्ष यात्री की शव को आसमान में छोड़ दिया जाए तो वो सालों तक अंतरिक्ष में ही तैरता रहता है। विज्ञानी तो यहाँ तक कहते हैं कि स्पेस की ठंड में शव सैकड़ों सालों तक सुरक्षा में रह सकता है। मीडिया के अनुसार आज तक 18 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस अंतरिक्ष में ली थी। यदि आप कुछ समय के लिए अंतरिक्ष में रहते हैं तो आपके शरीर में तरल पदार्थ संतुलित हो जाते हैं और चेहरे की सूजन कुछ हफ्तों पर गायब होने लगती है। पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को अक्सर ही खड़े होने पर चक्कर आने का अनुभव होने लगता है। नासा के मुताबिक स्पेस सूज एक तरीके से अंतरिक्ष यात्रियों के लिए एक चैम्बर का काम करता है। उन्हें सर्दी, गर्मी और कई तरह की परेशानियों से बचाता है, साथ ही अंतरिक्ष में रहने के लिए भी मदद करता है। स्पेस सूट के पीछे एक बैकपैक होता है जिसमें गैस, पानी और ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं होती हैं। अगर एस्टन के स्पेस बोर्ड में कोई चीज अलग होती है तो वो काफी दर्दनाक हो सकती है। ऐसा माना जाता है कि अगर स्पेस सूट एस्टन के शरीर से अलग हो जाए तो एस्टन की मृत्यु 5 से 10 सेकंड में हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां हवा नहीं होती, सिर्फ वैक्यूम होता है। अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों से बचाने के लिए इसे डिजाइन किया गया है। ये एक जटिल प्रणाली है जिसमें कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। स्पेस सूट के अंदर कंप्यूटर, एयर कंडीशन, पीने का पानी और इनबिल्ट टॉयलेट की व्यवस्था होती है। ये सभी सुविधाएं अंतरिक्ष यात्रियों के बहुत काम आती है। इसकी वजह से ही स्पेस सूट महंगा होता है। दुर्भाग्यपूर्ण अगर अंतरिक्ष में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ क्या किया जाना चाहिए, इसकी कोई पॉलिसी नहीं है। जानकारी के मुताबिक 2 संभावनाएं होती हैं। पहले मृतक को सम्मान के साथ वापस लाया जाए, जो संभव नहीं है, या फिर अंतरिक्ष में ही अंतिम संस्कार किया जा सके। जी हाँ, आपने सही सुना, अंतरिक्ष में मृतक शरीर का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। ये आम अंतिम संस्कार से काफी अलग होता है। अंतरिक्ष यात्री के शरीर को सबसे पहले ड्राई किया जाता है, फिर शरीर को बर्फ के लाखों टुकड़ों में तब्दील कर दिया जाता है। इस तरह स्पेस में अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की वार्षिक वेतन 10 लाख से 20 लाख होती है। बात की जाए खाने की तो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तरह खाना नहीं खाते हैं, बल्कि उनके लिए थर्मोस स्टेबलाइज फूड होता है। ये कम नमी वाला खाना होता है। पीने के लिए भी ज्यादातर पाउडर वाला खाना ही इस्तेमाल होता है। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।